हाय गाइज, चलिए देखते हैं। कल लेक्चर नंबर 10 में देखा गया था कि त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, और निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में। तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण 18 मिनट के बाद जो है आवाज़ नहीं आ रही है। तो प्यारे बच्चों, उसी के आगे हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का नाम लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि। अभी निरपेक्ष त्रुटि क्या है बच्चों, इसको ध्यान देना। तो ये है त्रुटियों का आकलन कैसे किया जाता है। तो हेडिंग का नाम लिखोगे त्रुटि का आकलन। त्रुटि का आकलन, तो त्रुटि का आकलन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि। जिसको दूसरा नाम रखा गया है परम त्रुटि। क्लियर बच्चों, त्रुटियों का आकलन कैसे किया जाता है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। तो प्यारे बच्चों, बताया गया था कि जो मापक यंत्र होता है, उस मापक यंत्र द्वारा हम किसी भी वस्तु को मापते हैं तो कुछ ना कुछ अनिश्चितता आ जाती है, अर्थात कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। तो उस कमी को ही नाम दिया गया था त्रुटि या एरर। तो निरपेक्ष त्रुटि में क्या है कि जो मापित यंत्र द्वारा हम किसी भौतिक राशि के मान निकालते हैं, अनेक मापक यंत्र द्वारा, जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, गोलाई मापी हो गई, इन सब के द्वारा, तो अलग अलग उपकरणों से देखते हैं माप में त्रुटियां आ जाती हैं। तो जो उसे मान का वास्तविक मान होगा, अर्थात माध्यमान होगा, उस माध्यमान में से अगर हम मापित मान को घटा देते हैं तो हमें मिलता है निरपेक्ष त्रुटि। तो परिभाषा बनता है कि किसी राशि का वास्तविक मान और उसी राशि के मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। क्लियर, तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, वास्तविक मान, इनको हम बोल सकते हैं बच्चों माध्यमान भी, माध्यमान, तथा मापित मान के अंतर को, मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। क्लियर बच्चों, अब हम ये मान लेते हैं कि कोई भी भौतिक राशि हो, उसके अनेक प्रेक्षणों के आधार पर अलग अलग मान निकाले गए, और अलग अलग मान निकाल कर देखा गया कि सभी मानों में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं वास्तविक मान से, कभी कम हो जा रहे हैं, कभी ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो हम वो जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान से मापित मान को हम घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है बच्चों क्या, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। तो क्लियर बच्चों, फार्मूला क्या बना, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस मापित मान, वास्तविक मान माइनस मापित मान। क्लियर, तो फार्मूला बना निरपेक्ष त्रुटि का, वास्तविक मान माइनस मापित मान। क्लियर बच्चों, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट।
अब हम ये मानते हैं कि माना किसी राशि का अनेक प्रेक्षणों के आधार पर मापित मान क्रमशः एक्स वन कामा एक्स टू कामा एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन है। क्लियर। कोई राशि है उसका अनेक प्रेक्षणों के आधार पर उनके मान जो निकाले गए एक्स वन कामा एक्स टू कामा एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन है। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम निरपेक्ष त्रुटि यहाँ से निकालना चाहें तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगा, तो हम सबसे पहले ये तो मापित मान है अनेक प्रेक्षणों के आधार पर, तो हम सबसे पहले वास्तविक मान निकालेंगे और वास्तविक मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन प्रेक्षणों का हम माध्यमान निकालेंगे अर्थात समांतर माध्य निकालेंगे। तो आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग अपान पदों की कुल संख्या। तो वास्तविक मान बराबर माध्यमान, और ये माध्यमान बराबर होता है बच्चों कुल पदों का योग, अपान कुल पदों की संख्या या पदों की कुल संख्या, क्लियर। ये फार्मूला आप पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों माध्यमान या वास्तविक मान एक ही होता है, इनको हम प्रदर्शित करते हैं बार एक्स से। किससे प्रदर्शित करते हैं, बार एक्स, अर्थात वास्तविक मान या माध्यमान इनको प्रदर्शित किया गया बार एक्स से। तो हम क्या लिखेंगे, कुल पदों का योग, प्रेक्षण कौन कौन से लिए गए यहाँ पर, एक एक्स वन है, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जितना टोटल नंबर है भाग देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वास्तविक मान मिला बार एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन अपान एन, या करके इनको ये भी लिख सकते हैं कि बार एक्स बराबर सिग्मा आई बराबर वन से आई बराबर एन और एक्स आई अपान एन। क्लियर बच्चों, या करके इनको हम ऐसा लिख सकते हैं शॉर्टकट में, जो एनसीईआरटी बताता है कि बार एक्स बराबर सिग्मा आई बराबर वन से आई बराबर एन सिग्मा एक्स आई अपान एन। अब हम बारी बारी से अगर हम आई के स्थान पे एक दो तीन चार पाँच रखें तो आपका ये पूरा वाला पद मिल जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट 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 एक्स एन और अपान टोटल नंबर कितना है एन। तो क्लियर बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, वास्तविक मान। क्लियर। तो वास्तविक मान निकाल करके हम बारी बारी से क्या करेंगे, मापित मान को घटाएंगे तो अलग अलग प्रेक्षणों का अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि मिलेगा। क्लियर। तो कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, वास्तविक मान इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो मेन फार्मूला मिलता है यहाँ पर, इस प्रकार वास्तविक मान, या जिसको हम माध्यमान बोलते हैं, इसका सिंबल बताया गया बच्चों बार एक्स। तो बार एक्स बराबर क्या, सिग्मा आई बराबर वन से आई बराबर एन बराबर सिग्मा एक्स आई अपान एन। क्लियर बच्चों, तो याद रखिएगा। ये हो गए बच्चों माध्यमान। अब हम यहाँ पर निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि जो निकलेगा, तब निरपेक्ष त्रुटि
बराबर क्या पढ़े बच्चों फार्मूला, वास्तविक मान माइनस मापित मान, क्लियर, वास्तविक मान माइनस मापित मान। निरपेक्ष त्रुटि को बच्चों हम डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करेंगे, किससे, डेल्टा एक्स से। वास्तविक मान कितना बच्चों यहाँ पर बार एक्स, और मापित मान क्या है बच्चों यहाँ पर, भाई अगर हम देखें एक्स वन के निकालें तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स वन, एक्स टू के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स टू, एक्स थ्री के लिए निकालेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स थ्री, क्लियर, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर किसके लिए निकालने जा रहे हैं, एक्स वन के लिए, तो एक्स वन के लिए यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि क्या बनेगा, डेल्टा एक्स वन बराबर बार एक्स माइनस एक्स वन, कोई दिक्कत। एक्स टू के लिए निकालें, एक्स टू के लिए तो डेल्टा एक्स टू बराबर बार एक्स माइनस एक्स टू, और एक्स थ्री के लिए निकालें हम तो डेल्टा एक्स थ्री बराबर बार एक्स माइनस एक्स थ्री। इसी प्रकार बच्चों अगर हम यनमे प्रेक्षण के लिए निकाल लें तो डेल्टा एक्स एन बराबर बार एक्स माइनस एक्स एन होगा कि नहीं होगा, क्लियर। भाई जो अलग अलग प्रेक्षण हम लिए थे कौन कौन से, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन, इन सभी प्रेक्षणों का अगर हम निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं अलग अलग तो एक्स वन के लिए क्या होगा, परिभाषा यही कहता है ना, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान अर्थात माध्यमान तथा मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो हम यहाँ पर वास्तविक मान निकाल लिए बार एक्स की वैल्यू, अब हमको हम निकालना है क्या निरपेक्ष त्रुटि, तो क्या करेंगे बच्चों, मापित मान तो यहाँ पर हम मान चुके हैं क्या, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन, तो हम एक्स वन के लिए निकाल लिए तो एक्स वन के लिए क्या हो जाए डेल्टा एक्स वन, ये निरपेक्ष त्रुटि का सिंबल होता है डेल्टा एक्स वन या डेल्टा एक्स टू डेल्टा एक्स थ्री, क्लियर। तो वास्तविक मान माइनस मापित मान, वास्तविक मान तो फिक्स है बार एक्स, मापित मान किसके लिए निकाल रहे हैं एक्स वन, तो एक्स वन हो गया, एक्स टू के लिए हो जाएगा यहाँ पर एक्स टू रख देंगे, एक्स थ्री के लिए यहाँ पर एक्स थ्री हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स एन के लिए, किसके लिए, एक्स एन के लिए क्या बनेगा डेल्टा एक्स एन बराबर बार एक्स माइनस एक्स वन, क्लियर, कोई दिक्कत। तो बच्चे इनको संक्षिप्त रूप में हम परिभाषित करते हैं या करके इनको अगर हम मिला के संयुक्त रूप में कर दें तो एक फार्मूला बनता है डेल्टा एक्स आई बराबर बार एक्स माइनस एक्स आई। एनसीईआरटी बुक आपको ये फार्मूला देता है कि डेल्टा एक्स आई बराबर बार एक्स माइनस एक्स आई, तो जहाँ आई बराबर क्या होगा बच्चों, याद रखना, जहाँ आई बराबर वन टू थ्री डॉट 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 एन। तो प्यारे बच्चों हम बारी बारी से अगर हम ये सब मान रखें तो आपको ये सब अलग अलग से फार्मूला मिलना शुरू हो जाएगा, आई के स्थान पर वन रखेंगे डेल्टा एक्स वन बराबर बार एक्स माइनस एक्स वन मिलेगा, टू रखेंगे तो मिलेगा, थ्री रखेंगे तो मिलेगा, एन रख देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, क्लियर। तो जितने भी प्रेक्षण रहेंगे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। तो निरपेक्ष त्रुटि हम अलग अलग मानों के लिए निकाल लें, तो अगर हम देखें बच्चों कि जो निरपेक्ष त्रुटि निकल रही है ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, अब ये पूछोगे कैसे, ठीक है, अगर हम एक्स वन के स्थान पर ले लेते हैं बच्चों दो, एक्स थ्री के स्थान पर ले लें चार, और एक्स थ्री के स्थान पर ले लेते हैं आठ, ठीक है, एक और ले लिया जाए दस, तो हम मान लेते हैं किसी वस्तु की लंबाई जो है अनेक प्रेक्षणों के आधार पर जो है ज्ञात किया गया, तो पहला मापित मान कितना आया बच्चों दो, दूसरे मापक के द्वारा चार आया, अगले वाले के द्वारा आठ, फिर उसके बाद दस। अगर हम इनका निरपेक्ष त्रुटि निकालना चाहते हैं बच्चों क्या निकालेंगे, सबसे पहले वास्तविक मान, तो वास्तविक मान निकालोगे बार एक्स की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, चार दो छः और छः आठ चौदह, चौदह दस चौबीस, चौबीस बटे कितना चार, कितना आ गया छः। अब निरपेक्ष त्रुटि निकालें अगर हम डेल्टा एक्स वन निकालें बच्चों तो क्या होगा बार एक्स माइनस एक्स वन कितना बनेगा, बार एक्स कितना आया बच्चों छः, और यहाँ पर कितना एक्स वन टू कितना आ गया चार। अगर हम डेल्टा एक्स टू निकालें कितना बच्चों छः माइनस चार कितना आया दो। अगर हम डेल्टा एक्स थ्री निकालें बच्चों तो छः माइनस आठ कितना आ गया माइनस टू। डेल्टा एक्स फोर निकालें बच्चों कितना आएगा छः माइनस दस बराबर माइनस चार। तो देख रहे हैं यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पर नोट में याद रखना कि निरपेक्ष त्रुटि का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, क्लियर। तो लिख लेते हैं साइड में कहीं, तो नोट यहाँ लिखते हैं निरपेक्ष त्रुटि
या परम त्रुटि धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर बच्चों, दोनों सिंबल में हो सकते हैं। अब कैसे बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया आपको, ध्यान देना ठीक है। मान लिए एक्स वन टू, मान लिए एक्स टू फोर, मान लिए एक्स थ्री एट, मान लिए एक्स फोर कितना मान लिया यहाँ पर 10 मान लिए, तो हम बारह एक्स निकालेंगे बच्चों, क्या कुल पदों के उपटे पदों की संख्या 6 आ गया। डेल्टा एक्स वन निकालेंगे 4 आया, डेल्टा एक्स टू 2, डेल्टा एक्स थ्री कितना माइनस 2, डेल्टा एक्स फोर क्या माइनस 4। इस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर हमें स्पष्ट कर सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर, तो कॉपी कर लीजिए बच्चों, समझ में आया यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालना है अलग अलग मानों के लिए। क्लियर, तो एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों से क्या करेंगे, वास्तविक मान निकालेंगे अर्थात माध्यमान निकालेंगे। माध्यमान निकालने के बाद क्या करेंगे, बारी बारी से अलग अलग प्रेक्षणों के लिए हम वास्तविक मान में से मापित मान को घटा देंगे। क्लियर, जो आएगा वह निरपेक्ष त्रुटि होगी, जैसा कि ये फार्मूला आपको बनाकर दिखाया गया। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसी में पूछता है, ये तो निरपेक्ष त्रुटि हो गया। अब निरपेक्ष त्रुटि के अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो प्यारे बच्चों जहाँ पर माध्य की बात हुई तो सीधी सी बात है क्या लगाना है, कुल पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। क्लियर, तो ध्यान देना, नेक्स्ट हेडिंग का नाम लिखते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला क्या होगा बच्चों, जो निरपेक्ष त्रुटि है जितना भी निकलेगा दिए गए प्रेक्षणों के लिए सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उससे भाग देंगे तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। बट ध्यान देने एक बात यहाँ पर है कि निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पर माध्यमान निकालने के लिए हम केवल धनात्मक चिन्ह को ही प्रयोग करेंगे, ऋण वाले पद को, मतलब ऋण चिन्ह को हम धनात्मक ही मान कर चलेंगे। क्लियर, तो इस प्रकार हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला बनाएं, तो फार्मूला लिखते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि को किससे प्रदर्शित किया गया था, डेल्टा एक्स, ठीक है। माध्य लगे बच्चे तो ऊपर बार लगा दो, तो बार डेल्टा एक्स बराबर, तो यह डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री प्लस से डॉट 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 डेल्टा एक्स एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एन, बट इतने से काम चलने वाला नहीं है। अब डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू डेल्टा एक्स थ्री तो हम लिख दिए, हो सकता है कि डेल्टा एक्स वन का मान क्या है धनात्मक में और डेल्टा एक्स टू का मान क्या है ऋणात्मक में। तो हम आपको बताएं कि माध्य निकालने के लिए यहाँ पर हम केवल धनात्मक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, अगर ऋण चिन्ह है तब भी जो है, क्यों, क्योंकि बच्चों हम इसका निरपेक्ष मान निकालते हैं अर्थात ऊर्ध्वाधर बार का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे, कक्षा 8 में पढ़े होंगे निरपेक्ष मान। क्लियर, तो जब बच्चों ये ऊर्ध्वाधर बार लग गया तो बच्चों चाहे माइनस 2 रहेगा तब भी इसका मान क्या आएगा, प्लस में रहेगा, अगर प्लस 2 है तब भी इसको हम प्लस 2 से ही प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो निरपेक्ष का मान मतलब ये होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। और निकाला कैसे जाता है, वर्ग करके उसका वर्गमूल निकाल लो, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बार की वैल्यू। क्लियर, तो इस प्रकार माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला क्या है, डेल्टा एक्स बार बराबर डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू डेल्टा एक्स थ्री डॉट 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 डेल्टा एक्स एन अपॉन एन। तो क्लियर बच्चों, तो फार्मूला ए बना, कॉपी कर लीजिए। क्लियर, अब कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते, तो त्रुटि सहित क्या माप होगी, त्रुटि सहित क्या माप होगी, तो ध्यान देना, त्रुटि सहित माप इसका फार्मूला क्या होगा, त्रुटि सहित माप, तो प्यारे बच्चों त्रुटि सहित माप बराबर होगा वास्तविक मान या माध्यमान, वास्तविक मान या माध्यमान प्लस माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर,
तो त्रुटि सहित माप को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बार x प्लस डेल्टा x के ऊपर बार, ठीक है। तो त्रुटि सहित माप का फार्मूला बना, तो समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं दो मिनट में। निरपेक्ष त्रुटि को कैसे निकालेंगे? वास्तविक मान में से मापित मान को घटाकर। और वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? जो दिया गया प्रेक्षण होगा, अलग अलग मान दिए होंगे मापित मान, उन सबको जोड़ करके जितनी संख्या होगी भाग दे देंगे, अर्थात माध्यमान निकालेंगे, वही उसका वास्तविक मान होगा। फिर क्या करेंगे? निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए फार्मूला पढ़े कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो हम अलग अलग प्रेक्षणों के लिए, जैसे x1 के लिए निकालना चाहते हैं तो हम डेल्टा x1 बराबर बार x माइनस x1, क्लियर। इसी प्रकार x2 के लिए, इसी प्रकार x3 के लिए, जितने भी प्रेक्षण दिए रहेंगे सब के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे? तो भाई माध्य की बात आ गई बच्चों, तो फिर वही कंडीशन लगाना है, कुल पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। तो हम कर दिए बच्चों, बस इसमें ध्यान देने हैं कि निरपेक्ष त्रुटि जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब माध्यमान निकालेंगे इसका, तो हमें केवल धनात्मक चिन्ह का ही प्रयोग करना है, चाहे वो धनात्मक में हो चाहे ऋणात्मक में। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर ऊर्ध्वाधर बार का प्रयोग करके हम यहाँ पर माध्यमान निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि को। तो निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा एक्स से प्रदर्शित किया गया, मान निरपेक्ष त्रुटि को क्या? डेल्टा एक्स को पर बार। अब क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि त्रुटि सहित क्या माप होती है, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, एनसीईआरटी में इसमें आ गया टॉपिक त्रुटि सहित क्या माप होती है। तो ध्यान देना, वास्तविक मान जो निकालें आप उसमें हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा क्या? त्रुटि सहित माप। क्लियर बच्चों? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग का नाम लिखते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। अभी हम लोग पढ़े निरपेक्ष त्रुटि, नेक्स्ट है आपेक्षिक, आपेक्षिक त्रुटि। इसका दूसरा नाम है बच्चों सापेक्ष त्रुटि, और तीसरा नाम है इसका बच्चों भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। इसको कैसे निकालें बच्चों? भिन्नात्मक की बात आ गया तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पर भिन्न के रूप में होगा। तो ध्यान देना बच्चों, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है? दिए गए प्रेक्षणों का जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में अगर हम माध्यमान से भाग दे दें तो जो त्रुटि प्राप्त होगी उसे हम बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। क्लियर? मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि में किसका भाग करना है? माध्यमान अर्थात वास्तविक मान, जो बार एक्स की वैल्यू निकाला है उसी से भाग कर देंगे तो मिल जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। तो परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्यमान, माध्यमान या वास्तविक मान के अनुपात को, के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। क्लियर बच्चों? अर्थात हम लिख सकते हैं फार्मूला कि भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि बराबर, तीनों में चाहे जो लिख लीजिए क्या बच्चों, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपान माध्यमान या वास्तविक मान। क्लियर बच्चों? अब हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि को किससे प्रदर्शित किए बच्चों? डेल्टा एक्स के ऊपर बार, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, सिंबल जरूर याद रखना, माध्यमान को किससे प्रदर्शित किया गया बच्चों? बार एक्स। तो भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला क्या बना? बार डेल्टा एक्स अपान बार एक्स, ठीक है।
तो फार्मूला याद रखना का काफ़ी महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक बच्चों, NCERT से फार्मूला माना जाता है। बाकी कुमार मित्तल में और अन्य किताबों में डेल्टा एक्स अपन केवल एक्स लिखते हैं इतना, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला क्या होना, डेल्टा एक्स ऊपर बार अपन बार एक्स, क्लियर लगा लेंगे। इसका मतलब अगर भिन्नात्मक त्रुटि पूछ रहा तो सबसे पहले कहाँ निकालना पड़ेगा, डेल्टा एक्स के ऊपर बार, अर्थात बार डेल्टा एक्स। अब बार डेल्टा एक्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले डेल्टा एक्स निकालेंगे हम, है ना। अब डेल्टा एक्स को निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, बार एक्स निकालना पड़ेगा। तो बच्चे एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको बढ़िया से दिमाग बैठाइए, पहले क्या निकालना है, कैसे निकालना है, इस सब चीज़ को बढ़िया से रिवाइज करिए। नेक्स्ट हेडिंग प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। प्यारे बच्चों, भिन्नात्मक त्रुटि में मतलब जो भिन्नात्मक त्रुटि है, अब उसका भिन्नात्मक त्रुटि को हम क्या करें, अगर हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दें तो उसे हम बोलेंगे क्या बच्चों, प्रतिशत त्रुटि, क्लियर। भिन्नात्मक त्रुटि को यदि प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो जो त्रुटि प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो परिभाषा क्या बना, यदि भिन्नात्मक या आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो मान में होने वाले त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। क्लियर, इसका मतलब फार्मूला जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा कि प्रतिशत त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि और गुणे 100। क्लियर, अब प्रतिशत त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला हम लोग पढ़े क्या ऊपर, बार डेल्टा एक्स अपान बार एक्स और गुणे कितना बच्चों, 100। तो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या मिल गया, बार डेल्टा एक्स अपान बार एक्स और गुणे 100। क्लियर, तो ये फार्मूला एक और बना। अब प्रतिशत त्रुटि हमेशा प्रतिशत में आएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो समझ में आया सबको, किसी कोई प्रॉब्लम तो प्यारे बच्चों बढ़िया से इसको रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा। आगे हम कल पढ़ेंगे इसी पर संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका ये टॉपिक भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, क्लियर। तो निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, इन तीनों पर सवाल लगाएंगे।